हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपरसोनिक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। गाइस, आप लोग कमेंट करने से पहले एक बार मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लिया करो। काफ़ी बार मैंने वीडियोज़ बना रखी होती हैं बट फिर भी आप लोग कमेंट करते हो, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी रहेगी। खैर, वो सब छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपने इंसिडेंट्स की तरफ। आज का जो एक्सीडेंट है वो होने वाला है टॉप 10 इंडियन पुलिस कार एक्सीडेंट्स, जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजंस की वजह से हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंडियन पुलिस के बारे में, तो भाई आप लोग भी जानते हो, दिन रात वो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी काम करते हैं। गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह कश्त लगाना ताकि कोई भी इंसिडेंट ना हो। रात में जब हम सो रहे होते हैं, काफ़ी बार आप लोगों ने सायरन की आवाज़ सुनी होगी जो कि हमारे गली में या फिर मोहल्ले में घूमती रहती हैं, ताकि कोई भी चोरी या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। यहाँ पर भाई मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो उनको गाड़ी दी जाती है, लाइक इनोवा हो गई, बोलेरो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, फिलहाल बोलेरो स्कॉर्पियो की उतनी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। और आप लोगों का क्या मानना है कि उनको मतलब काफ़ी सेफ्टी वाली गाड़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा टाइम हम रोड पर रहेंगे, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि नहीं, कि उन्हें थोड़ी और सिक्योरिटी वाली गाड़ी, लाइक काफ़ी एयरबैग्स हों, सेफ्टी फीचर ज़्यादा बढ़िया हो, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी हो। खैर, वो सब छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपने इंसिडेंट्स की तरफ। बात करते हैं अपने ये जो टॉप 10 इंसिडेंट्स हुए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए हैं। नंबर वन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये इंसिडेंट एग्जैक्टली हुआ है केरला का इनोवा, इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। नॉर्मली इनोवा गाड़ी में बैठ करके पुलिस वाले जा रहे होते हैं, सडनली एक छोटी सी सीसीटीवी फुटेज में, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई नॉर्मली ये लोग गाड़ी को जैसे ही एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, कर्व रहता है, सडनली एक बस आ जाती है जो कि इनके अंदर हिट कर देती है बहुत ही गंदी तरीके से। खैर, बस के अंदर किसी को भी कुछ खास इंजरीज नहीं आती हैं, बट जो इनोवा गाड़ी में बैठे रहते हैं दो मतलब पुलिस वाले, उनको हल्की फुल्की इंजरीज आती है। बाद में भाई वो लोग सही हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल तुरंत लेकर के जाया जाता है। बस और इन कार को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर के जाया जाता है जब एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। यह है दिल्ली का ड्यू यूनिवर्सिटी के आसपास में ये इंसिडेंट होता है। होंडा सिटी हिट करती है एक स्कॉर्पियो गाड़ी को, बाई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, जो नॉर्मली रात के 2 बजे या 1 या 2 बजे के आसपास में इंसिडेंट होता है। एक 19 साल का लड़का जो मॉडल टाउन में रहता है, भाई वो अपने दोस्तों से मिल करके आ रहा होता है और उसने ड्रिंक कर रखी होती है, सिंगापुर में ये पढ़ाई कर रहा होता है। होता क्या है कि गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाने की वजह से PCR जो रहती है उसको बहुत ही गंदी तरीके से हिट करता है, जो कि लेफ्ट साइड से बहुत गंदी तरह हिट करता है। गाड़ी का आप लोग डैमेज देख सकते हो, कुछ इमेजेस हैं जो कि बाद में लोगों ने खींची हैं, बट उस वक्त जो लोगों ने ये एक्सीडेंट देखा था वो लोग बता रहे थे कि जब इस गाड़ी ने इसको हिट किया तो 10 से 15 फीट तक ये गाड़ी हवा में उछल गई थी। एक बार तो रोल ओवर भी हुई थी, जिसमें एक बंदे की डेथ हो जाती है, एक कॉन्स्टेबल की, और एक बंदा काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। आप लोगों का क्या मानना है कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस पे कैसा मतलब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए? नेक्स्ट इंसिडेंट बढ़ते हैं, जो कि अपना नंबर 3 इंसिडेंट है। करनाल कैथल रोड के आसपास में इंसिडेंट होता है, जहाँ एक ट्रक, बस और एक जो पुलिस वैन रहती है उसका एक्सीडेंट होता है। बेसिकली ये जिप्सी रहती है जो कि काफ़ी बुरी तरीके से मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती है। ट्रक मारती है बस को टक्कर, बस जो है भाई जिप्सी को टक्कर मारती है, जो जिप्सी है वो रोल ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छा खासा उसमें डैमेज आ जाता है। नॉर्मली ट्रक जो रहता है भाई वो थोड़ा सा मतलब तेज़ ओवर स्पीडिंग के चक्कर में भेड़ देता है बस को। बस जो रहती है वो पुलिस वाली ही रहती है, जो कैदियों की बस होती है वही साथ में जा रही होती है और उसके आगे पुलिस वाले जा रहे होते हैं। दो पुलिस वाले काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं इस इंसिडेंट में, बाकी किसी को ज़्यादा चोट आती नहीं है। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और जो ट्रक ड्राइवर रहता है भाई वो तुरंत फरार हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट इंसिडेंट नंबर 4, जो कि अपना नोएडा का है, जहाँ पर एक PCR जो कि इनोवा रहती है, सेक्टर 11 मार्च 19, 2017 का ये एक्सीडेंट है, जहाँ पर एक स्पीडिंग इनोवा शायद कोई कॉल फ़ोन कॉल आया होता है उसी के पास जा रही होती है और हिट एंड रन का ये इंसिडेंट हो जाता है। रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड पे दो लोग बैठ करके जा रहे होते हैं, एक छोटी सी CCTV फुटेज भी है, वो भी आप लोग अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जिसमें भाई जो इनोवा है वो बहुत ही बुरी तरीके से हिट करती है राइडर और प्लियन दोनों को। लोग जो वहाँ पर देख जिन्होंने देखा था वो एक्सीडेंट, तो वो बताते हैं कम से कम 10 से 20 मीटर तक वो लोग भाई घसीटते हुए बहुत ही बुरी तरीके से गए थे। गाड़ी इनोवा की हालत आप लोग देख सकते हो, आगे से बोनट वोनट सब कुछ मतलब पिचक गया है, साथ ही साथ में विंडशील्ड भी टूट गई है। देन आफ्टर एक्सीडेंट भाई दोनों गाड़ियों को ले जाकर के पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया जाता है, बाकी जो केस चल रहा होता है वो चलता है। नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। नंबर 5, ये साइबराबाद का एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक इनोवा गाड़ी शामिल रहती है।
शंकर पॉली करके कोई जगह है जहाँ पर संडे मॉर्निंग कोई एक्सीडेंट होता है। नॉर्मली पुलिस वाले अपने रास्ते में से जा रहे होते हैं और एक मिनी ट्रक जैसा कि जो सामान वामान लोड करके ले करके जाता है वो वेजिटेबल छोड़ करके आ रहा होता है, बाजार में से वापस आ रहा होता है। और इसमें जो बंदा बैठा रहता है उसको भाई नींद आ जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी डिवाइडर क्रॉस करके सीधा आ करके पुलिस वाली गाड़ियों से भिड़ जाती है जो कि अदर साइड पे चल रही होती हैं, जिसके अंदर भाई डिवाइडर जब वो क्रॉस करके आता है हेड टू हेड कॉलिजन हो जाता है दोनों गाड़ियों का, इनोवा और मिनी ट्रक का। मिनी ट्रक का जो ड्राइवर रहता है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। आप लोगों का क्या मानना है कि यार जो मिनी ट्रक्स रहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि इनमें इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं रहती, क्या कंपनीज़ को इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करने चाहिए या फिर नहीं? पुलिस वाली जो गाड़ी रहती है भाई उसके अंदर भी जो दो लोग बैठे रहते हैं वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, गाड़ी की आप लोग हालत देख सकते हो काफ़ी खस्ता हो गई है। फिर दोनों गाड़ियों को भाई मतलब जब्त कर लिया जाता है, दोनों पे केस चलते हैं। जो दूसरा बंदा रहता है मिनी ट्रक वाला उसके ऊपर रश ड्राइविंग का केस डाला जाता है। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग तो नींद आ जाना, कोई जानबूझ के तो कोई सोएगा नहीं, काफ़ी बार थक जाते हैं लोग या फिर किसी और रीज़न से जिसकी वजह से उनकी आँख लग जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का कंट्रोल खोता है और ये एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपना नंबर 6 इंसिडेंट है। ये है यूपी पुलिस का जो कि बोलेरो, जो कि आप लोगों ने डायल 100 देखी होगी, ब्लू कलर की बोलेरो जो रहती है। इन लोगों के पास कॉल आता है जो कि भदोही इलाके के आसपास में ये इंसिडेंट होता है। कॉल आता है एक कि कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं, बट गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से जा करके जैसा आप लोगों ने देखा होगा भैंस वैंस गाय बांध के एक तवेला जैसा बना देते हैं, उसके अंदर जा करके गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के पूरी भिड़ जाती है, जिसके अंदर घर के अंदर 4-5 बच्चे सो रहे होते हैं जिनमें से एक दो को काफ़ी चोट आ जाती है और साथ ही साथ में जो कांस्टेबल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। बाद में उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहाँ पर वो लोग ठीक हो जाते हैं, बट बोलेरो की आप लोग हालत देख सकते हो आगे से काफ़ी खस्ता हो गई है। नेक्स्ट इंसिडेंट जो कि नंबर 7 है, लुधियाना का ये इंसिडेंट है जहाँ पर एक ट्रक इनोवा को हिट कर देता है। नॉर्मली मिनिस्टर का आप लोगों ने काफ़िला देखा होगा कि एक साथ में 5-6-7-8 गाड़ियाँ जाती रहती हैं जिसमें 2-3 गाड़ियाँ आगे रहती हैं, उन्हीं गाड़ियों में से ये एक इनोवा को हिट करता है, लेकिन जिसमें जो मेन मतलब मिनिस्टर बैठ के जा रहा होता है वो काफ़ी बच जाते हैं इस एक्सीडेंट से। बट जो इसमें जो 5 लोग बैठे रहते हैं इनोवा के अंदर उसमें से एक बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, 4 लोग काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। भाई ट्रक ड्राइवर है जो वो तुरंत फरार हो जाता है जैसे ही एक्सीडेंट होता है। बाद में इस पर केस वेस चलाया जाता है कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या पता किसी और रीज़न से ये ट्रक ने एक्सीडेंट किया हो किसी और गाड़ी को हिट करने के लिए, बट ये इस गाड़ी को हिट कर गया। नेक्स्ट इंसिडेंट जो कि अपना नंबर 8 इंसिडेंट है, ये है महिंद्रा TUV300 का। कानपुर में ये एक्सीडेंट होता है। आप लोगों ने भी विकास दुबे के बारे में तो जाना है, जानते ही होंगे जो इनकाउंटर में मतलब मारा जाता है भाई। पहले इसको टाटा सफारी के अंदर बिठा कर लेकर ले जाया जाता है, देन उसको आगे जा करके चेंज कर दिया जाता है TUV300 के अंदर। फिर मतलब वही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। अब किस रीज़न से होता है क्यों होता है कुछ नहीं पता, लेकिन जो गाड़ी है वो एक साइड से टॉपल हो जाती है, पलट जाती है, जिसमें फिर विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और देन जो उसके अंदर बैठे हुए मतलब पुलिस कांस्टेबल रहते हैं उनको भी हल्की फुल्की इंजरीज आती हैं, उसका तो खैर इनकाउंटर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपना 9 नंबर है। ये फरीदकोट का इंसिडेंट है जहाँ पर एक जिप्सी जो कि पायलट जिप्सी रहती है, नॉर्मली ये भी एक काफिले के साथ जारी होती है मिनिस्टर के, और एक गाड़ी जो जिसका टायर मतलब ब्रश्ड रहता है जो कि टायर चेंज कर रहे होते हैं उस गाड़ी के अंदर ही जा करके पूरी गंदी तरीके से भिड़ जाती है। इस गाड़ी के अंदर भी 4 पुलिस वाले बैठे रहते हैं जिनको काफ़ी डैमेज आता है, और जो 2 बंदे गाड़ी की जो स्टेपनी लगा रहे होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चोट आती है। फिर नॉर्मली जो आसपास का पुलिस स्टेशन रहता है उसके अंदर उनको तुरंत से भर्ती करा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इंसिडेंट जो कि अपना 10 नंबर का है, ये भी हैदराबाद का है, इनोवा का ही इंसिडेंट होता है। यादराद्री करके कोई जगह पड़ती है, कोई टेम्पल है वहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। जो है आप लोग इनोवा भाई आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से एक डिवाइडर को बहुत बुरी तरीके से क्रॉस कर देती है, इसके अंदर एक 3 साल की बच्ची की भी डेथ हो जाती है जिसके ऊपर इनोवा गाड़ी पूरी चढ़ जाती है। बाद में जो भी मतलब केसेस वेसेस चलते हैं इन पुलिस कांस्टेबल पे, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में जो भी पूछताछ हुई होगी वो। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी भाई आप लोगों को भी सीख मिली होगी कुछ ना कुछ, कमेंट ज़रूर करते रहना आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा।